शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप चाहें तो हमारे चैनल के 97,000 मेंबर्स की तरह हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलना। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल शुरू से बताते आ रहे हैं, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ में अगर चाहें तो हमारी ट्रेड्स को कॉपी करने के लिए हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं 299 का एडवांस पैकेज लेकर यूट्यूब पर। बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में। क्या हो रहा है यहां IDBI बैंक में? क्या सरकार अपना हिस्सा बेचने जा रही है? यह अच्छी खबर मानी जाएगी अगर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग स्टेक बेच दे। प्राइवेट सेक्टर यह नहीं चाहेंगे कि हम पैसा लगाएं और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, तो इसके लिए इस स्टॉक में अब आई है बाय की बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जैसा हम शुरू से बोल रहे हैं, बाहर के एजेंसीज भी इसको अब बाय की रिकमेंडेशन दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अपना 51% हिस्सा यहां पर बेचेगी IDBI बैंक में, ताकि जो नई एंटिटी आए वो फुल कंट्रोल लेकर मैनेजमेंट एक्शन ले सके। यहां पर आपको पता ही होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर करीब करीब 94% इसका हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। अब प्राइवेट प्लेयर्स लेंगे इसमें कंट्रोल, पर LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही अपना हिस्सा इसमें कुछ ना कुछ बना के रखेंगे ताकि उनको एडवांटेज मिले। LIC ने काफी पैसा निवेश किया है IDBI में ताकि इनकी पॉलिसीज सेल की जा सके IDBI बैंक में। तो IDBI बैंक आज काफी अच्छा उछाल दिखाया है, यहां पर करीब 44 रुपए के आसपास मॉर्निंग में उछला था, टोटल 13% के आसपास बढ़ चुका है इस खबर के चलते हुए। और यहां पर ओवरऑल ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री विल मेक अ फाइनल डिसीजन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द डील, यहां पर सितंबर एंड तक ये बायर्स इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। तो ये अब जल्दी से फास्ट ट्रैक हो रहा है हमारे हिसाब से यहां पर सब काम, और ये इसकी प्राइवेटाइजेशन भी एक फास्ट ट्रैक से चलेगी। पर RBI का अप्रूवल चाहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 40% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी में स्टेक लेने के लिए, पर्टिकुलरली बैंक में, आपको RBI का अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट हैज आस्क RBI टू रिलैक्स द नॉर्म्स ताकि आसानी रहे अपना स्टेक को बेचने के लिए। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू? देखिए, अविनाश गौराशंकर जी के अकॉर्डिंगली यहां पर जो प्रॉफिट स्मार्ट सिक्योरिटी के हेड है, उन्होंने कहा है IDBI विल बी इन फोकस एज डील इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और उम्मीद लगाई जाएगी Q1 करंट ईयर का प्रॉफिटेबल रहे, जिसके चलते हुए प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर आए। बट अभी थोड़ा चैलेंज है, कैश फ्लो इनका काफी नेगेटिव है करंट ईयर में, तो उम्मीद लगाई जाएगी कि जब प्राइवेट आएगा डाइवेस्टमेंट के बाद में, तो ये अपना कैश फ्लो भी पॉजिटिव करेंगे और साथ साथ में इनकी एफिशिएंसी भी आएगी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंप्रूव होगा। लोन बुक बहुत स्ट्रांग है, तो ये अच्छी बात रहेगी। इसके लिए इनको लोन बुक को मेंटेन करने के लिए इनको फंड्स चाहिए, और डिपॉजिट से सस्ता फंड कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के दो कारण है। सबसे पहला तो RBI ने 1.4% का हाइक दिया है इंटरेस्ट में, तो इनको RBI पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपना इक्वलेंट रखना है। और दूसरा, इनको ज्यादा फंड चाहिए, इसलिए अदर कॉम्पिटिटर प्लेयर से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देंगे ताकि इनको बहुत बढ़िया तरह से ये फंड्स मिल जाए। हमारे हिसाब से आउटलुक इज वेरी ग्रेट, और यहां पर बैंक इज लुकिंग एग्रेसिवली मोबिलाइजिंग द डिपॉजिट ऑफ द फंड्स। ये एक पॉजिटिव साइन होता है टू इंक्रीज एंड हैज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन द टर्म डिपॉजिट। इसके साथ साथ में इन्होंने स्पेशल 500-day डिपॉजिट भी निकाली है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें 6.7% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल पर खरीदिएगा, ज्यादा ऊपर के लेवल पर खरीदेंगे तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो। और इसका फेयर वैल्यू हम आपको पहले भी अपने चैनल पर बता चुके हैं, अभी भी यहां पर बताएंगे जिस रेंज में आपको इसको खरीदना चाहिए। अगली खबर यहां पर देखिए, एक अच्छी पॉजिटिव खबर है कि यहां पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आएगा, शेयर भी इसके ऊपर बढ़ेंगे इस खबर के चलते हुए। और फेस्टिव सीजन में देखिए, लोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लोग बागों को शादी के लिए खर्च करना होता है, अपनी कार लेनी है या फिर अपनी बाइक लेनी है, तो उस हिसाब से ये फेस्टिव सीजन PSU सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसून जनरली ऑन एवरेज पूरे इंडिया में 15% हायर है ऑन एवरेज मानसून रेट। तो ब्रोकर्स का व्यू काफी स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन है इसकी। वैल्यूएशन की दृष्टि से अगर बात करें तो इसको आपको फेयर रेंज की लोअर हिस्से में ही खरीदना चाहिए। यहां पर अभी काफी तकड़ा
बाई आया है, कोई बेच नहीं रहा है, इनके सेल्स जो रिवेन्यू है वो हम बहुत अच्छे लगते हैं, बट डेप्ट की प्रॉब्लम है जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम है। आइए जरा चलकर इनका देखते हैं। तो देखिए इन्होंने जैसा हमने बताया आपको 50 डे जो 7 यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो KYC बना रहे हैं, साथ साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर 6.7% की इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं यहाँ पर, और सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% एक्स्ट्रा डिजिटल बैंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बैंक माना जाएगा यहाँ पर। अब कैश फ्लो में इनके एक चैलेंज है, अगर यहाँ पर ऑपरेशन से कैश फ्लो देखा जाए तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में करीब 4,000 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। देखिए पिछले 2 सालों में पॉजिटिव बन रहा था, 2020 फाइनेंशियल ईयर में और 2021 में 190 और 3,400 करोड़ रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव रहा, और उसी हिसाब से इनका नेट कैश फ्लो भी पूरा पॉजिटिव रहा था। बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से भी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा था फाइनेंशियल एक्टिविटी से 4,000 करोड़ के आसपास, तो 8,500 करोड़ ये पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है इनका कैश फ्लो अभी के लिए। तो ये थोड़ा सा चैलेंज इनको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना यहाँ पर, वरना इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमारे हिसाब से इस स्टॉक में। अगर मार्केट कैप देखी जाए तो मार्केट कैप की दृष्टि से ये 46,000 करोड़ की कंपनी है, एक लार्ज कैप की तरह से ट्रीट कीजिएगा, अप टू 5% का पोर्टफोलियो इसमें निवेश कर सकते हैं। डिलीवरी 26% के आसपास है और डेली करीब 1.1 करोड़ शेयर है नेक्स्ट का, तो इस हिसाब से काफी लिक्विड है, काफी स्टार परफॉर्मर्स रहेगी इस स्टॉक की आगे आने वाले समय में। अगर हम बात करें आगे क्या हो सकता है इसकी रणनीति, तो यहां पर रिवेन्यू की दृष्टि से थोड़ा सा नम रुख है। देखिए नेगेटिव रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, 18,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। अगर यही चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो पिछले साल काफ़ी नुकसान रहा इनको, 2-3 सालों में करीब 12,000 करोड़ 15,000 करोड़, बट इस साल 2,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे हमने बताया, मेजोरिटी स्टेक 94% के आसपास इनके प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास में महज 5% के आसपास होल्डिंग है इसकी। यहाँ पर अगर आज इसका भाव देखें तो मॉर्निंग से ही इस खबर के चलते ही काफ़ी तेजी से मोमेंटम रहा और बंद होते होते 43 के आसपास ही जाकर बंद हुआ है। शाम के टाइम मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव रहा है, पॉजिटिव से -5% के आसपास गिरा है। काफ़ी अच्छा इसने प्लेबुक की तरह से इस काम किया है। यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी ट्रेड करता है स्टॉक, तो सबसे पहला टारगेट जो उसका होता है वो होता है 200 डे मूविंग एवरेज, और वो इसने बखूबी आज अचीव कर लिया है। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखे हैं तो इसको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, परफेक्ट लेवल है 43 के ऊपर का लेवल। आज वॉल्यूम काफ़ी तेज रहे, देखिए 53 मिलियन शेयर एक्सचेंज हुए हैं, 2 दिन पहले यहाँ पर 2 दिन कंटिन्यूअसली 61 मिलियन और 40 मिलियन के आसपास 2 दिन से यहाँ पर अच्छे मोमेंटम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक का। एलिगेटेड इंडिकेटर के बेसिस पर गैप बढ़ता जा रहा है जो कि पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है स्टॉक में। सुपर ट्रेंड भी एक पॉजिटिव बाय सिग्नल बना के रखा है। RSI इंटरेस्टिंगली 71 हो गया है, इसका मतलब कि अभी ये शायद थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा यहां पर फ्रेश एंट्री लेना। जैसा मैंने बताया ये अभी रेजिस्टेंस के पास है, वहां पर इसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी बन जाता है। देखिए एलिगेट इंडिकेटर के भी अगर आप बात देखें तो बुलिंजर बैंड के अपर हिस्से में हम खरीदने की सलाह नहीं देते हैं, ये थोड़ा नीचे गिरे और ये यहां से ऊपर आए तो 40 और 41 के बीच में ये काफ़ी अच्छा इसकी बाइंग रहेगी। यहाँ पर मैगडी की तरफ से देखा जाए, मैगडी ने फिर से इसको बाय सिग्नल जनरेट करना शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी रहेगी। रिटेल निवेशकों को फिर से बताएंगे 2-5% का लिमिट ही रखिए किसी भी स्टॉक में, टेक्निकली ये काफ़ी अच्छे लेवल पर बाउंस बैक करेगा। और अगर ट्रेडिंग करनी है, मिलो। जय हिंद जय।